जयपुर के इंदिरा मार्केट में 15 फरवरी को हुए अग्निकांड के शिकार दुकानदार अभी भी दर दर भटक रहे हैं। पटाखों की दुकान में भड़की आग में 6 दुकानें स्वाहा हो गई थी। इस घटना के बाद से पटाखों की दुकान का मालिक तो फरार है, लेकिन पड़ोसी 6 दुकानदार रोजी रोटी छिनने के बाद न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। इन सभी दुकानों में 15 से 20 लाख का माल भरा था। दुकानें तो नगर निगम बनवा रहा है, लेकिन अब माल के लिए दुकानदारों के पास पैसा नहीं है। दुकानदार महासंघ के संस्थापक किशोर टांक और इंदिरा बाजार व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष यशपाल अरोड़ा ने सरकार से इन दुकानदारों को मुआवजा राशि देने की मांग की है, ताकि ये दुकानदार अपनी रोजी रोटी फिर से शुरू कर सके। ऑल राजस्थान दुकानदार महासंघ, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा संगठन है, हम इसमें मध्यस्थता कर रहे हैं। हम इंदिरा बाजार के साथ में और जयपुर व्यापार महासंघ, जयपुर व्यापार महामंडल और बाकी जितने भी हैं बाजार, इनके साथ में, विधायक जी के साथ में, सांसद के साथ में मध्यस्थता करके हमारा प्रयास यह है कि बिना कोर्ट कचहरी पुलिस के ये सारा काम निपट जाए और व्यापारियों का दुकानें शीघ्रतासीघ्र शुरू हो और वो अपने शांति से व्यापार करें, यही हमारा प्रयास है और इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। इंदिरा बाजार में 15 फरवरी को भीषण अग्निकांड की वजह से ये सारे व्यापारी आज 4 महीने से बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन सरकार ने हमारे ज्ञापनों के द्वारा और हमारी पीड़ा को देखते हुए दुकानों का निर्माण शुरू करवाया। लॉकडाउन की वजह से निर्माण रुका है, हमारी एक निवेदन है कि इसको तुरंत पुनः निर्माण शुरू करवाकर ये दुकानें बनवाई जाएं और किशन सावलानी की वजह से जो नुकसान हुआ है फटाखा व्यापारी की वजह से, उससे हमें मुआवजा दिलवाया जाए, क्योंकि सारी लापरवाही उसकी है। ये सारे पीड़ित दुकानदार उसकी वजह से सारे सड़क पे आए हुए हैं, आज इनका घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मेरा सरकार से भी और अपने पटाखा व्यापारी से भी यही निवेदन है कि आगे बढ़ के इनकी मदद के लिए आगे आएं और इनकी जो मदद कर सके मदद करें। हम आपस में सब भाई हैं और व्यापारी की एकता को बनाए रखें।